हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम लोग आज फ्रैक्चर के बारे में सीखते हैं। तो फ्रैक्चर क्या होता है? अगर बोन में किसी भी वजह से दरार आ जाए तो उसको बोलते हैं हम फ्रैक्चर्स। ठीक है, फ्रैक्चर कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बोन पूरा टूट जाए या नहीं तो आधा टूट जाए, दोनों को हम लोग फ्रैक्चर ही बोलते हैं। तो फ्रैक्चर बहुत सारे टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इथियोलॉजी। सो बेस्ड ऑन इथियोलॉजी 3 टाइप्स का होता है। ट्रोमैटिक फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है और स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। ठीक है, तो ट्रोमैटिक फ्रैक्चर क्या होता है? अगर कोई आदमी रास्ते पे जा रहा है और उसको सडनली किसी गाड़ी ने आके ठोक दिया तो क्या होगा? उसका बोन टूट जाएगा। तो हम लोग वैसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ट्रोमैटिक फ्रैक्चर। जो फ्रैक्चर ट्रॉमा की वजह से हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर। ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे दिया आपको, फ्रैक्चर कॉज बाय फॉल, RTA और फाइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर यानी किसी भी अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से, मतलब बॉडी में ऑलरेडी एक अंडरलाइंग डिसीज़ है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। एग्जाम्पल मान लो अगर कोई ओल्डर एडल्ट वॉशरूम में गया और स्लिप हो गया तो उनको क्या हो सकता है? अगर वो फिसल के गिर गए तो उनका बोन जल्दी टूट जाएगा क्योंकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसलिए है अच्छा एग्जाम्पल पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब ये कैसे होता है? तो बार बार फोर्स एक ही बोन पर पड़ने की वजह से फ्रैक्चर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। इसका एग्जाम्पल ये है, मानो आप बार बार दौड़ रहे हो, आप इसकी वजह से ना स्ट्रेस पड़ सकता है टीबिया और फिबुला पे और वो फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये है अच्छा एग्जाम्पल स्ट्रेस फ्रैक्चर का। तो नेक्स्ट बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं हम लोग। सो बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट 2 तरीके के होते हैं, अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। सो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, ये बोन है, ठीक है, ये बोन है। बोन में बोन यूजली सीधा होता है ना, तो अभी यहाँ से फोर्स आया, ठीक है, यहाँ से फोर्स आया और यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। तो अगर बोन एक ही लाइन में है, मतलब इधर उधर खिसका नहीं, बोन एक ही लाइन में है, फ्रैक्चर हो गया, बोन एक ही पोजीशन में है, इधर उधर नहीं गया, तो उसको बोलते हैं हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। सो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, अगर बोन इधर उधर खिसक गया नहीं तो रोटेट हो गया तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। सो अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर एंड्स आर इन एनाटॉमिकल पोजीशन अलाइन विद ईच अदर। सो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट। सो द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट, एंगुलेशन और रोटेशन। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर भी 3 तरीके का होता है बेस्ड ऑन वो किस तरीके से खिसक रहा है। तो फर्स्ट वन है शिफ्ट। शिफ्ट मतलब साइड टू साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से होता है बेसिकली ये फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट इज एंगुलेशन। तो इसमें क्या होता है, फोर्स आता है, बेंडिंग फोर्स आता है और फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो इसमें एंगुलेशन जो फॉर्म हुआ है इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं इसको एंगुलेटेड फ्रैक्चर। तो अभी नेक्स्ट इसमें रोटेशन में क्या होता है, दोनों बोन अलाइन तो नहीं रहेंगे, एक बोन ट्विस्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं रोटेशन। तो नेक्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में भी डिफरेंट 5 टाइप्स के होते हैं। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है और फिर सेगमेंटल फ्रैक्चर होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, बोन होता है ना तो परपेंडिकुलर फोर्स आता है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा दूँगी। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, तो फोर्स आया और यहाँ पे फोर्स पड़ा, परपेंडिकुलर फोर्स पड़ा और यहाँ पे सीधे लाइन आ गई, परपेंडिकुलर फोर्स आया और यहाँ पे सीधे फ्रैक्चर आ गया, परपेंडिकुलर फ्रैक्चर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे ऑब्लिक मतलब बेंडिंग फोर्स आएगा और फिर यहाँ पे एक ऑब्लिक क्रैक आ जाता है बोन में। तो ये बेसिकली शेप किस शेप में फ्रैक्चर हुआ है। तो नेक्स्ट वन है स्पाइरल। आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे स्पाइरल की तरह
जो अब स्पाइरल बाइंडिंग कराते हो ना बुक्स में, वैसे स्पाइरल की तरह यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया है। तो नेक्स्ट वन इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बोन्स पीसेस हो गए हैं, मतलब दो पीसेस नहीं हुए, एक बोन में, एक बोन टूट के ना बहुत सारे बीच में पीसेस हो गए हैं, इसे बोलते हैं हम कम्युनिटेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज सेगमेंटल फ्रैक्चर, मतलब एक ही बोन में दो या तीन जगह अगर बोन टूट जाए, इधर देखिए दो जगह टूटा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सो नेक्स्ट वन हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर, ठीक है। सो क्लोज्ड फ्रैक्चर क्या होता है, ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो क्लोज्ड फ्रैक्चर मतलब सिर्फ बोन टूटा है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सराउंडिंग स्ट्रक्चर सारे इंटैक्ट है ना, जो मसल होता है, स्किन होता है, वो सारा इंटैक्ट है यहाँ पे, तो सिर्फ बोन टूटा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपन फ्रैक्चर में क्या हुआ है, तो यहाँ पे बोन भी टूट गया है और यहाँ पे टिश्यूज भी टूट गए हैं, तो इसको हम लोग ओपन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोज फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द ओवरलाइंग स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यूज आर इंटैक्ट। ओपन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड देर इज ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब उसको कितना आसान होता है उस फ्रैक्चर को ट्रीट करने में, उसके बेसिस पे दो फ्रैक्चर होते हैं, एक है सिंपल फ्रैक्चर और एक है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। सो यहाँ पे सिंपल फ्रैक्चर मतलब बोन टूट के दो पीस हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल। सिंपल क्यों है, मतलब दो पीसेस है ना, तो आसानी से उसको फिक्स किया जा सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर का मतलब क्या है, बोन टूट के बहुत सारे पीसेस हो गए हैं, इतने सारे पीसेस होने की वजह से इसको ट्रीट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसका एग्जाम्पल है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया। तो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, तो किस मतलब कितने फोर्स की वजह से, मतलब छोटा फोर्स या बड़ा फोर्स पड़ने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, उसके बेसिस पे दो होते हैं, ठीक है, हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर एंड लो वेलोसिटी फ्रैक्चर। सो हाई वेलोसिटी फ्रैक्चर का एग्जाम्पल है जैसे कि बड़ी गाड़ी आई और किसी आदमी को ठोक दिया और गिर गया, मतलब इतनी बुरी तरीके से वो गिरा है ना, वो इतना तेज़ी से उसका वेलोसिटी था कि वो बुरी तरीके से उसके सारे बोन्स टूट सकते हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट लो वेलोसिटी इंजुरी क्या होता है, मतलब अगर कोई फिसल के गिर गया और फ्रैक्चर हो गया, उसको हम बोल सकते हैं लो वेलोसिटी इंजुरी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आर्टिकुलर सरफेसेस, मतलब आप देखे होंगे, मतलब ऐसे बोन होता है ना ऐसे, ठीक है। तो अगर फ्रैक्चर इस एरिया में, ये आर्टिकुलर सरफेसेस है ना, बोन के दो एंड्स मिलेंगे तो आर्टिकुलर सरफेस वो ज्वाइन होके जॉइंट बनता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ कहीं पे और यहाँ कहीं पे फ्रैक्चर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर इसके बाहर अगर कोई और बोन, मतलब यहाँ पे भी बोन है ना, तो इस एरिया में भी बोन है, अगर यहाँ यहाँ कहीं पे फोर्स आया और यहाँ पे कहीं पे बोन टूटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, ठीक है। अब नेक्स्ट, बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल लोकेशन, ठीक है। तो कॉन्डाइल्स आपने पढ़ा होगा ना, बोन्स के नीचे एक स्ट्रक्चर आता है जिसको बोलते हैं हम कॉन्डाइल्स, तो उसमें अगर फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग कॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं, जैसे कि सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर, है ना। तो नेक्स्ट इज हम लोग देखते हैं कि ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, तो हिप बोन में आपने देखा होगा ट्रोकेंटर करके एक स्ट्रक्चर होता है, अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग फाइशियल फ्रैक्चर, फाइशियल फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, बोन में एक फाइशियल प्लेट होता है, अगर वो फाइशियल प्लेट में फ्रैक्चर हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं फाइशियल फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर लाइन, सो मतलब वो फ्रैक्चर बोन के कितने आर पार से उसको तोड़ रहा है, ठीक है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर मतलब सिर्फ दो सरफेसेस, बाहर के बोन के दो सरफेसेस इन्वॉल्व है, मतलब अंदर तक नहीं टूटा है बोन,
सो बाहर की ये जो सरफेसेस है ना कॉर्टेक्स, तो वो टूटा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। तो कंप्लीट फ्रैक्चर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे पूरा बोन ही टूट जाता है, मतलब कॉर्टेक्स भी टूट जाता है, बोन मैरो भी टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का हम लोग पढ़ते हैं अटिपिकल फ्रैक्चर। सो अटिपिकल फ्रैक्चर मतलब इसको 3 या 4 टाइप के होते हैं ये। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है जिसमें कॉर्टेक्स ऑफ द बोन टूट जाता है, पेरियोस्टियल हिंज वैसे ही रहता है। सो इसमें क्या होता है, सिर्फ कॉर्टेक्स ऑफ द बोन टूटता है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसलिए तो ये इनकम्प्लीट फ्रैक्चर कहा जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेंड तो हो जाता है बोन, पर इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती है बोन फ्रैक्चर में। ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसीलिए बहुत अटिपिकल कहा जाता है, क्योंकि अगर ये अटिपिकल अगर ये फ्रैक्चर हुआ भी है तो ये बेंड हो जाता है, पर कहीं से दिखता नहीं है कि ये टूटा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंप्रेसिव फ्रैक्चर। ये क्यों होता है, कंप्रेसिव फोर्स पड़ने की वजह से जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिव फ्रैक्चर। एग्जाम्पल अगर बोले तो वर्टिब्रा पे बार बार कंप्रेसिव फोर्स पड़ने की वजह से अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको उसको हम लोग कंप्रेसिव फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर ऐसा हुआ है कि दोनों बोन्स जाके घुस गए एक के अंदर एक, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट वन क्या हो सकता है, अवल्शन फ्रैक्चर। अवल्शन फ्रैक्चर क्या होता है, मतलब बोन के साथ टेंडॉन भी निकल के आ जाता है इसमें, क्योंकि फोर्स इतना होता है ना, जो मसल अटैचमेंट टेंडॉन होता है ना वो भी निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ पटेला ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, पटेला फ्रैक्चर भी होगा और टेंडॉन भी टूट जाएगा, बाइसेप्स क्वाड्रिसेप्स टेंडॉन भी टूट जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है एवल्शन फ्रैक्चर का ये। तो और एक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं फ्रैक्चर ऑफ ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। तो आपने एल्बो में पढ़ा होगा ओलेक्रोनॉन प्रोसेस करके, है ना, वो क्या होता है, उसका अटैचमेंट होता है ट्राइसेप्स, तो सडन कॉन्ट्रैक्शन होगा ट्राइसेप्स में, तो यहाँ पे क्या होगा, ओलेक्रोनॉन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एवल्शन फ्रैक्चर। तो नेक्स्ट वन इज हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन फ्रैक्चर क्या होता है, बहुत बारीकी से बोन में अगर कहीं टूट जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हेयर लाइन। आपको नाम से ही पता लग रहा होगा हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये इसको डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली फ्रैक्चर हम लोग एक्सरे में देख सकते हैं, पर ये हेयर लाइन फ्रैक्चर ना एक्सरे में नहीं देख सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोस क्लिनिकली, एंड ऑल्सो रेडियोलॉजी इज हेल्पफुल इन दिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। थैंक यू।